हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स. टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू स्टोरी एंड द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स माइलस्टोन इंग्लिश कोर्स बुक. चैप्टर नंबर इज़ 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फोक टेल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया, अक्रॉस द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में जो भी फोक टेल्स हैं, ये वहाँ की कुछ स्टोरीज हैं. वॉट इज़ द फोक टेल? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी अराइज इन योर माइंड. Whenever we start this chapter, I always discuss the topic. What the topic is? Folk tales means होता है, tales means जैसा कि आप जानते हैं कहानियाँ. ठीक है, across the world means पूरी दुनिया से. What is the meaning of folk? Folk means होता है regional. ठीक है, means जो क्षेत्रीय है, जिस क्षेत्र में जैसी लैंग्वेज बोली जाती है उसमें जो कॉमन पीपल जो स्टोरीज उनकी जो स्टोरीज होती हैं उनको हम कहते हैं फोक टेल्स. ठीक है, लेट्स बिगिन. में आपके यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी हुई हैं, पंचतंत्र, ग्रिम्स फेरी टेल, 20 जटाका टेल्स, पर्शिया. ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ फोक टेल्स बुक्स हैं. आप इनमें से अगर आपने कोई सी नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ ट्राई टू रीड इट. हाउ हैव यू रेड एनी ऑफ दीज बुक्स गिवन एवर? वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इनमें से ऊपर जो बुक्स दी गई हैं इनमें से आपने कोई बुक पढ़ी है? आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू नो वॉट द स्टोरीज इन दीज बुक्स आर कॉल्ड? क्या आप जानते हैं इन बुक्स में जो स्टोरीज दी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डू यू थिंक, डू दीज स्टोरीज टीच अ मॉरल लेसन? क्या आपको लगता है कि इन स्टोरीज में कोई मॉरल लेसन यानी कोई नैतिक शिक्षा दी गई होती है आपको? कैन यू शेयर अ स्टोरी दैट यू हैव रेड विद योर क्लासमेट्स विच इम्पार्ट अ मॉरल लेसन टू द रीडर्स? वो कह रहे हैं जिसमें एक कोई आपको जिससे कोई सीख मिली हो, जिस लेसन को रीड करने के बाद या जिस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको कोई लेसन मिला हो सीखने को. क्या आप इस तरीके की कोई स्टोरी यहाँ बता सकते हैं? द राइटर वॉन्ट टू आस्क टू यू. यहाँ पर उन्होंने पूछा है तो इसका आंसर आपको यहीं मिलेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें से अगर आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो यू हैव टू रीड इट. इस तरीके की स्टोरीज़ को ही हम फोक टेल्स कहते हैं. ठीक है, और इनमें ज़रूर एक कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए या वी शुड डू इट एंड इट इज़ गुड फॉर अस. ठीक है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में हम आते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्टोरी है. वी विल स्टार्ट रीड. लेट्स रीड. फोक टेल्स आर स्टोरीज विद नो नोन ऑथर. दे ग्रीव आउट ऑफ द लाइव्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पीपल. ठीक है, वो फोक टेल्स जो होती हैं ये वो कहानियाँ होती हैं जो किसी भी जाने माने लेखक ने, ऑथर मीन्स होता है लेखक ने, नहीं लिखी होती हैं. दे ग्रीव आउट ऑफ लाइव्स एंड इमेजिनेशन ऑफ द पीपल. ये हमारी ही खुद की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उससे निकलती हैं और लोगों की अपनी इमेजिनेशन से लिखी जाती हैं. दे ओरिजिनेटेड इन द एरा बिफोर लिटरेसी एंड वर पास्ड डाउन वर्बली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. वो कह रहे हैं उस समय ये कहानियाँ उस समय जनरेट हुई थी, यानी कि उस एरा में, यानी कि उस समय में लिखी गई थी जब लिटरेसी, बिफोर लिटरेसी, जब लोग शिक्षित नहीं थे बहुत ज़्यादा. और ये जो कहानियाँ हैं वो वर्बली, यानी कि कभी भी लिखी नहीं गई थी, केवल माउथ टू माउथ, यानी कि वर्बली लोग एक दूसरे को सुनाते सुनाते जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई. जैसे दादाजी ने हमारे फादर को, फादर ने हमें, हम से आगे, इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन. ये सिर्फ वर्बली, इनको कभी लिखा नहीं गया क्योंकि लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे तो कहानियाँ लिखना नहीं जानते, तो सिर्फ सुनते थे एक दूसरे से. तो इस तरीके की स्टोरीज जो होती थी उन्हें हम फोक टेल्स कहते. फोक टेल्स वर मेड अप ऑफ एक्सप्लेन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड टू और टीच मॉरल एंड लेसन. ठीक है, ये फोक टेल्स जो होती थी वो हम इसलिए बनाई जाती थी ताकि आपके माइंड में कुछ वंडर्स को एक्सप्लेन किया जा सके, कुछ अच्छी चीज़ों को जो भी हमारी दुनिया में है, और आपको एक मॉरल लेसन, एक अच्छी सीख इनसे मिल सके. रीड द फोक टेल्स फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स. यहाँ पर आपके पास कुछ फोक टेल्स उन्होंने दी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टोरी है लॉर्ड्स ऑफ ग्रेन्स, फोक टेल फ्रॉम चाइना. यहाँ पे जो पहली स्टोरी आपको दी है वो दी है चाइना की फोक टेल माना जाता है, मतलब वहाँ के जनरली लोग इस स्टोरी में बिलीव करते हैं, इसको मानते हैं. तो साइड में पहले इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है आपको, मैं वो डिस्कस करूँगी. Cranes are large, long-legged and long-legged birds. There are 15 species of crane, unlike the similar-looking herons. Crane fly with their necks
आउट स्ट्रेचिंग स्ट्रेच्ड नॉट पुल्ड बैक. ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पे क्रेन है, बहुत बड़ा एक ये पक्षी होता है, इसकी जो लंबे लंबे पैर होते हैं और लॉन्ग नेक होती है इसकी, लंबी सी गर्दन होती है इसकी. लगभग 15 यानी कि 15 तरीके के प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं. यहाँ पर ये लगभग कुछ ना कुछ 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 देखने में जो है वो सिमिलर लगता है हेरोन, हेरोन भी एक पक्षी होता है उसकी तरह. और ये अपनी गर्दन को स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आगे की तरफ खींच कर फ्लाई करता है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ क्रेन्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन डांस स्लेज सेज सीज एंड सूप्स ऑफ क्रेन. इनके ग्रुप्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो आप यहाँ से इनके नेम्स नोट कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट द स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? देयर आर माउंटेन्स इन चाइना विच रीच ऑल द वे अप टू द क्लाउड्स. हाई अप ऑन वन ऑफ दीज माउंटेन्स लिव्ड एन ओल्ड वाइज मैन. वो कह रहे हैं इन माउंटेन्स पर बहुत ऊंचाई पर एक ओल्ड और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. हिज नेम वॉज टियान विच मीन्स हेवन. टियान मीन्स होता है हेवन, स्वर्ग. ठीक है, ही यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्लाउड को टच कर रही हो. तो यहीं पर एक आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान था जिसका नाम टियान था और उसके नेम का जो मीनिंग होता है वो होता है हेवन. ही हैड फ्रेंड्स हु लिव्ड विद हिम अमंग द क्लाउड्स. उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो वहीं उसके साथ में वहीं उन्हीं बादलों के बीच रहा करते थे. द क्रेन्स, उसके फ्रेंड्स कौन थे यहाँ पे? क्रेन्स, जिनके बारे में भी यहाँ बताया गया. टियान फेड देम एंड केयर्ड फॉर देम. टियान जो है वो उनको खिलाया करता था, उनकी टेक केयर किया करता था. द बर्ड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद टियान. जो ये जो बर्ड्स थी, ये जो क्रेन्स थे जिसके फ्रेंड थे, वो अपने एक्सपीरियंस को टियान के साथ में शेयर किया करते थे. दे स्पोक ऑफ द वंडर्स दे हैड सीन ऑन देयर फ्लाइट्स. वो जब वो उड़ते समय जो भी उन्होंने अपनी मतलब यात्रा किया, जब भी वो उड़ने निकलते थे, जो कुछ भी वो वंडरफुल देखते थे, वो उसके आकर फ्लाइट डाउन बिलो, जब वो उड़कर वापस नीचे आते थे तो वो सारा कुछ शेयर करते थे अपनी टियान के साथ में, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए होते थे. टियान वॉज डिवोटेड टू देम दीज बर्ड्स. वो जो टियान है वो इन बर्ड्स के लिए बहुत डिवोटेड है, मतलब उसका समर्पित है, ये उनके लिए हर सब कुछ करना चाहता था. ठीक है, एंड दे वुड डू एनी थिंग फॉर हिम. और वो जो बर्ड्स हैं, जो क्रेन हैं, वो भी टियान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती थी. ठीक है, वो भी मतलब ये इन लोगों में आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कह लीजिए, बहुत अच्छी ट्यूनिंग कह लीजिए, ये दोनों ही एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे. ठीक है, टियान वॉज दस कॉल्ड द लॉर्ड्स ऑफ क्रेन्स. इसीलिए टियान को जो धीरे धीरे इसकी जो बॉन्डिंग थी उन क्रेन्स के साथ में, इसको लॉर्ड्स ऑफ क्रेन्स भी कहा जाने लगा. वन डे टियान डिसाइडेड दैट ही इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो डाउन टू द सिटी. एक दिन टियान ने यह निश्चय किया कि अब ये सही समय आ चुका है कि मुझे जाकर नीचे शहर में देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है. ही वॉन्टेड टू सी इफ़ पीपल रिमेम्बर्ड टू बी काइंड एंड जेनरस. वो ये देखना चाहता था कि क्या लोगों को आज भी याद है कि कैसे हमें दयालु और लोगों के प्रति उदार रहना चाहिए. सो द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज क्रेन सेटल्ड हिमसेल्फ ऑन इट्स बैक एंड फ्ल्यू थ्रू द क्लाउड्स. तो इसीलिए उसने अपनी क्रेन को ऑर्डर दिया कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और मुझे बादलों में से लेकर वहाँ उस शहर में पहुँचा दो. ठीक है, द टियान रोम्ड अराउंड द सिटी. टियान जो था पूरे शहर में रोम्ड मीन्स होता है घूमता रहा. ठीक है, एंड देन ही मेट अ बेगर. वुड यू बी विलिंग टू एक्सचेंज योर क्लोथ्स विद माइन आस्क्ड टियान. टियान ने उसको एक रास्ते में एक बेगर मिला, भिखारी. ठीक है, उसने उससे पूछा कि क्या तुम अपने क्लोथ्स मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहोगे. टियान ने उससे पूछा. ठीक है, द बेगर वॉज शॉक्ड. बेगर जो है वो शॉक्ड हो जाता है. वो कहता है ओ नो सर, वाई वुड यू वॉन्ट माई टॉर्न एंड रैग्ड इन एक्सचेंज फॉर योर स्प्लेंडेड रॉब्स. वो कह रहा है कि क्यों अपने शानदार इतने राजशाही कपड़ों के साथ आप मेरे पुराने कपड़ों को, टॉर्न एंड रैग मीन्स होता है फटे पुराने कपड़ों के साथ, बदलना चाहते हैं. टियान सैड आई हैव कम. टियान उसको बताता है आई हैव कम टू टेस्ट द पीपल. वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर कुछ लोगों का टेस्ट लेने आया हूँ. एंड नो वन मस्ट रिकोगनाइज मी. और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई भी पहचाने ना. देन द बेगर अंडरस्टूड दैट टियान वॉज नो ऑर्डिनरी मैन एंड ग्रेटफुली एग्रीड टू एक्सचेंज. ठीक है, तब उसको टियान को उस बेगर को समझ में आया कि टियान जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. उसने खुशी खुशी वो उसकी उससे कपड़े एक्सचेंज करने को तैयार हो जाता है. टियान ब्लेस द बेगर एंड वेंट ऑन हिज वे. टियान ने उसको आशीर्वाद दिया, बेगर को ब्लेस किया और वहाँ से वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया. मैनी डेज वेंट. बहुत दिन बीत गए.
The tian and tian continued begging through the streets of the beautiful city. उस खूबसूरत शहर में tian ने अपनी begging का जो काम था, उसने जो फटे फटे पुराने कपड़े पहनकर begging करता रहा वो लगातार. Many wealthy people passed him. बहुत सारे wealthy people जो हैं वहाँ से passed हुए. But no one seemed to notice him. लेकिन किसी उसे ऐसा लगा कि किसी ने जैसे मानो उसे seemed मिस होता है प्रतीत होना लगना. ठीक है, उसे ऐसा लगा कि किसी ने even उसे notice तक नहीं किया. Not a single person dropped a coin in Tian's cup. किसी भी एक भी व्यक्ति ने उसके Tian के जो कप था, जो बैगिंग कप उसने वो लेके घूम रहा था, उसमें किसी ने भी एक सिंगल क्वाइन भी ड्रॉप नहीं किया. उसको मतलब किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. वन इवनिंग टायर्ड एंड हंग्री Tian arrived a small inn. एक दिन एक शाम को जो Tian है वो बहुत एक छोटी सी इन मीस होता है सराय, जहाँ पे लोगों को शरण दी जाती है, रुकते हैं लोग थका हुआ भूखा सा, वहाँ वो पहुँचता है. द ओनर ऑफ ओनर हु वॉज कॉल्ड वेंग स्माइल्ड एंड वेलकम्ड हिम. जिसका नाम था यांग, जो वेंग जो है वो उसको उस इनका मालिक था और उसने हंसते हुए उनका वेलकम किया. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसने पूछा उनसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. कुड यू गिव मी अ लिटिल समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक आस्क्ड Tian. Tian ने उससे कहा कि क्या आप मुझे कुछ खाने और पीने के लिए दे सकते हैं. आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी टू पे यू. वो लेकिन वो कहता है कि मेरे पास, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं है. वेंग smiled cheerfully and waved away to the apology. ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट. वो कहता है नहीं 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 ऐसा मत कहिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा. वो खुशी से स्माइल करता है और उसकी तरफ कहता है, मना करता है कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. सिट डाउन टेक सम रेस्ट, आप थोड़ा आराम करिए. वेंग ब्रॉट द ओल्ड मैन अ वार्म बाउल ऑफ सूप राइस टी एंड प्लेट ऑफ सिजलिंग मीट. वो उसके लिए एक गर्म सूप, राइस, टी और गरम गरम मीट जो है वो उसके खाने के लिए लाता है. Tian's हार्ट वॉज एज फुल एज हिज वैली वेन ही लेफ्ट इन दैट इवनिंग. वो कह रहे हैं Tian जो है उसका दिल बिल्कुल भर चुका था, मतलब वो बहुत खुश हो गया था कि चलो एक व्यक्ति तो है जो ऐसा मिला जो बहुत ही काइंड है, और उसका पेट भी पूरी तरह भर गया था. नेक्स्ट इवनिंग Tian stood at Wang's door and asked him apologetically, please sir, could I have a sip of rice wine and something to eat? वो फिर अगले दिन उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और उसने फिर वैसे ही क्षमा मांगते हुए कहा कि, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, और उसने कहा कि क्या मुझे आज भी राइस वाइन और कुछ खाने को मिल सकता है. इट्स माई प्लेजर एंड डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट आंसर Wang's. Wang ने कहा कि आप बिल्कुल, ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं आपको कुछ करूँगा, और आप पैसों के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें. From that day onward, उस दिन के बाद से Tian came every day to Wang's inn where he was always made to feel welcome. One day Tian said to Wang, I am deeply in your debt. You have been so good and kind to me. I must find a way to repay you. एक दिन फिर ऐसा ही रोज चलता रहा. वो रोज उसके वहाँ आता था और Wang जो है वो उसका डेली वेलकम करता था. एक दिन Tian ने उसे कहा, Wang से कहा, मैं आप का बहुत आभारी हूँ. डेप्ट मीन्स होता है कर्ज में आ जाना. ठीक है, क्योंकि वो डेली भाई उसके यहाँ फ्री में खाता था, रहता था. तो वो कहता है कि लेकिन क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे साथ बहुत दयालुता दिखाई है, इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढा है तुम्हें रीपे करने का. ठीक है, वो कहता है कि मुझे तुम्हें रीपे करना चाहिए, मतलब जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका मुझे कर्ज चुकाना चाहिए, तो मैंने उसका एक तरीका ढूंढा है. Wang वॉज क्वाइट सरप्राइज. Wang जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है. बट यू डोंट नीड टू रीपे मी. उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी, व्हाटएवर, वो कह रहा है कि कुछ भी तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाटएवर आई हैव गिवन टू यू, जो वो कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, आई हैव गिवन ग्लैडली, मैंने अपनी खुशी से दिया है. इट मेक मी हैप्पी वेन आई कैन हेल्प समवन. वो कहता है कि मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ या कर पाता हूँ. Tian स्माइल्ड. Tian ने हंसा और उसने कहा, नेवरदीलेस आई वुड लाइक टू रीपे यू. वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ. ऑफकोर्स आई हैव नो मनी, वास्तव में मेरे पास कुछ कोई भी पैसा नहीं है. बट आई कैन गिव यू समथिंग एल्स, बल्कि मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ. Tian then proceeded to untie a gourd from his walking stick. Tian जो है वो आगे बढ़ता है अपनी बात को बढ़ाते हुए, अपनी जो उसकी walking stick होती है उससे gourd, एक गठरी सी खोलता है. ठीक है, large वेजिटेबल विद अ थिक स्किन, एक
गांठ जैसी उसके हाथ में होती है जिसको वो खोलता है वहां से, ठीक है। इट लुक्ड लाइक अ वाटर फ्लैक्स, ठीक है, वो बिल्कुल उसकी तरह देखने में लगा था जैसे वाटर फ्लैक्स, फ्लैक्स मीन्स ये चीज़ होती है, इस तरीके से ना वो बनाते हैं वहां पे जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, इस तरीके से वो पीने के लिए, पानी पीने के लिए एक फ्लैक्स जैसा बनाते हैं, ठीक है, वो देखने में वैसा ही लग रहा था। टियान, बट टियान हेल्ड इट लाइक द फाइनेस्ट सेबल ब्रश, लेकिन जो टियान जो है वो उसको यूज जो करता था कैसे करता था, सेबल ब्रश की तरह। सेबल जो है वो एक ब्लैक कलर का एंटीलोप होता है, ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, जिसके फर जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ब्रश बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो टियान जो है वो उसका यूज़ उस तरीके से करता था। एंड पेंटेड अ पिक्चर, उसने उस ब्रश से पेंट किया पिक्चर ऑफ थ्री क्रेन्स, उसने थ्री क्रेन्स की पिक्चर बनाई ऑन द वॉल ऑफ द इन, उसने उसकी सराय में जहाँ वो रुका हुआ था वैंग के सराय में, उसने थ्री क्रेन्स की पिक्चर ड्रॉ की। वैंग वॉज एस्टोनिश्ड, वैंग जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है सरप्राइज होना। दिस इज़ वंडरफुल ही एक्सक्लेम्ड हेवनली, वो कह रहा है कि वो इतना खुश होता है, कहता है ये तो बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई चीज़ मुझे मिली हो, और ये बहुत वंडरफुल है, ये तो बहुत देखने में खूबसूरत है। जस्ट वेट आई विल मेक इट बेटर, वो कहता सैड टियान, टियान विद अ स्माइल, टियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं इसको और खूबसूरत बनाता हूँ। ही क्लैप्ड हिज हैंड, उसने अपने अपनी ताली हाथों से ताली बजाई, और एंड बिगिन टू सिंग, और उसने गाना स्टार्ट किया। एंड द क्रेन बिगिन टू मूव, और जो क्रेन उसने पेंट की थी दीवार पर वो मूव करने लगी। वन बाई वन दे फ्लटर्ड एंड कम ऑफ द वॉल, वो धीरे एक के बाद एक उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो वॉल से निकलकर बाहर आ गई। एंड डांस्ड टू टियान सॉन्ग, और टियान जो गाना गा रहा था उस पर वो नाचने लगी। वेंग्स आइज एंड माउथ वर वाइड विद एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट से ग्रेट सरप्राइज, वेंग ये सब देखकर उसकी आंखें, उसकी उसका मुंह जो है वो बिल्कुल खुला रह गया, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। टियान देन सैड, टियान ने तब कहा, लेट्स योर गेस्ट बी मैरी वेन यू स्टार्ट वेन दे स्टार्ट सिंगिंग एंड क्लैपिंग, वो कह रहे हैं लेट्स योर गेस्ट बी मैरी, वो कह रहे हैं चलो अपने गेस्ट को खुश करो, और वेन दे स्टार्ट सिंग एंड क्लैपिंग देन द क्रेन विल डांस, वो कह रहे हैं जब कभी भी वो तुम्हारे लिए क्लैप करें या सिंग करें तो तुम डांस करना शुरू करोगे। टियान टर्न द डोर टू लीव, अब वहाँ इतना करने के बाद टियान ने दरवाजे की तरफ मुड़ा और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। वेट जस्ट हु आर यू गुड सर, वैंग आस्ड, वैंग ने उसे पूछा, सर कौन है आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आप रियल में कौन है। टियान डिडेंट आंसर, लेकिन टियान ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही जस्ट गेव अ फ्रेंडली वेव एंड डिसअपीयर्ड, उसने बस एक फ्रेंड की तरह अपना हाथ हिलाया और वो उसे बाय करके वहाँ से डिसअपीयर्ड मीन्स अदृश्य हो गया, वहाँ से चला गया। सून एवरी वन इन द सिटी वर विस्पर्ड, जल्दी ही उस पूरे शहर में लोग बातें करने लगे, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाने लगे। एंड टॉकिंग अबाउट द वंडरस डांसिंग क्रेन ऑफ वैंग्स इन, जब उन्होंने लोगों ने कहा कि जब भी वो उसकी उसकी सराय में जाते हैं, जैसे ही लोग बातें करते हैं या तालियां बजाते हैं, तो वो जो उसकी इन में उसने थ्री क्रेन्स बनाई थी वो डांस करने लगती थी, ठीक है। तो लोग उसकी तारीफ करने लगे कि ये तो इसके पास बिल्कुल जादुई इसी मतलब इतनी खुशी मिलती है, जैसे ही हम ताली के बजाते हैं उसके इन में जाके वहाँ पे जो दीवार पर क्रेन्स हैं वो निकल कर आती हैं और डांस करने लगती हैं, लोग इसकी दूर दूर तक इसकी बातें करने लगे। मोर एंड मोर पीपल केम एवरी डे टू मार्वल एट द ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है, उन खूबसूरत बर्ड्स को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी इन में आने लगे, ठीक है, तो उसको अच्छा प्रॉफिट भी मिलने लगा। एंड बिफोर लॉन्ग, और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, ये वेंग वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। अब धीरे धीरे भाई जब उसके गेस्ट ज़्यादा आने लगे तो वो रिच होने लगा और वो उस पूरे शहर का सबसे रिच पर्सन बन जाता है। बट ही ऑलवेज मेड श्योर टू कीप अ सीट फ्री एंड अ बाउल ऑफ सूप रेडी फॉर एनी वन इन नीड, लेकिन फिर भी उसने हमेशा अपनी वो एक आदत जो उसकी काइंडनेस थी वो बना कर रखता था कि वो एक सीट और एक बाउल सूप हमेशा वो एक व्यक्ति के लिए रखता था कि कहीं अगर कोई मेरे पास कोई ज़रूरतमंद मतलब जो व्यक्ति नीड में होगा अगर वो आता है तो मैं उसके लिए भी उसको भी दूंगा। वन डे नॉट टू फॉर लॉन्ग, एक दिन बहुत दिन ना कि बहुत दिनों बाद टियान रिटर्न, टियान जो है वो वापस आता है। वैंग हरीड टू ग्रीट हिम, जल्दी से जाकर वैंग जो है वो उसका उसका स्वागत करता है। मेड हिम सिट एट द बेस्ट टेबल एंड ब्रॉट हिम अ डिलीशियस मीट,
वो वहाँ उसको एक सी अच्छी सी टेबल पर उसको लाता है, उसको वहाँ बैठाता है और एक उसको स्वादिष्ट सब भोजन उसके लिए परोसा जाता है। प्लीज़ टेल मी हु यू आर ही बैग्ड, उसने बहुत गिड़गिड़ाते हुए उसे पूछा कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कौन हैं। टियान डिडेंट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। ही स्माइल्ड बेनिंगली, उसने बहुत खुशी से एक स्माइल किया। एंड लिफ्टेड हिज फ्लूट फ्लूट, उसने अपनी फ्लूट को अपने होठों पर रखा, यानी कि अपनी बांसुरी को उठाया और बजाना शुरू किया। एंड प्लेड अ मेलोडी दैट वॉज सो टेंडर एंड ब्यूटीफुल दैट इट ब्रॉट टीयर्स इन वैंग्स आईज, वो इतनी खूबसूरत इतनी मधुर आवाज़ थी कि उसको सुनकर वैंग की आंखों में आंसू आ गए। वैंग विस्पर्ड, वैंग ने फिर से धीरे से कहा, दैट वॉज अ मेलोडी ऑफ फ्रॉम हेवन, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज़ सीधे स्वर्ग से आ रही हो। आई थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हियर इट, वो कहता है मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इसे सुनने की परमिशन दी। यू हैव मेड मी अ रिच एंड हैप्पी मैन, आपने ही मुझे इतना रिच और एक खुश आदमी बनाया है। हाउ कैन आई एवर रीपे यू, वो कहते हैं मैं कैसे आपका को रीपे कर पाऊँगा, दोबारा से मैं आपका ये सारा कर्ज कैसे चुकाऊँगा। ठीक है, तो वो कहता है मेक श्योर टू टीच अदर टू बी काइंड एंड जेनरस टू द पुअर एज यू हैव बीन टू मी सैटियान, दिस इज़ माई ओनली विश। जो ट्यान होता है वो कहता है कि मेरी केवल एक ही इच्छा है कि जैसे तुम लोगों को अपनी तरह, जैसा तुम मेरे साथ इतने दयालु और इतने उदार थे, वैसे ही तुम दूसरे लोगों को भी सिखाओ ताकि वो सब भी गरीब लोगों के प्रति ऐसे ही दयालु रहें। ट्यान देन रेज्ड द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड द मेलोडी फ्रॉम द हेवन वन लास्ट टाइम, आखिरी बार उसने फिर से ट्यान ने अपनी फ्लूट से म्यूजिक प्ले किया। हियरिंग द मेलोडी द थ्री क्रेन्स ग्लाइडेड ऑफ द वॉल एंड नेल्ट बिफोर हिम, जैसे ही उन्होंने उन क्रेन्स ने वो आवाज़ सुनी, वो उस वॉल से निकल कर आती हैं और उनको उसके आगे सर झुकाती हैं इंडियन के सामने। स्ट्रोक देम जेंटली ही सैड, माई फ्रेंड आई थैंक यू विद ऑल ऑफ माई हार्ट फॉर योर हेल्प, वो अपने क्रेन्स को थैंक यू बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने इसको वैंग को रिच बनाने में बहुत हेल्प की थी, वो डेली जब भी गेस्ट आते थे उसके इनमें तालियां बजाते थे तो वो डांस करती थी। तो यहाँ पे टियान जो है वो उन क्रेन को थैंक्स करता है। वी विल नाउ फ्लाई होम, अब वो कहता है अब हमारे घर चलने का समय हो गया है, अब हम लोग घर जाएंगे। ही वोट द बैंग एंड विल फेयर गुड सर, वो कहता है कि वो वैंग के आगे झुकता है और उससे कहता है अब हम यहाँ से अलविदा करेंगे सर। टियान फ्लू अवे सिटिंग ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ द क्रेन, उनमें से एक क्रेन की बैक पर वो बैठकर ऊंचे आसमान में स्काई में उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। अ ग्रेट फ्लॉक ऑफ क्रेन्स एकम्पनीड हिम, और उसके पीछे पीछे बहुत बड़ी संख्या में पूरा क्रेन का जो ग्रुप था, उन चिड़ियों का पूरा झुंड था, वो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे उड़ता हुआ आसमान में चला गया। एट लास्ट यंग न्यू हु द अनयूजुअल बेगर रियली वॉज, अंत में उसको समझ में आया कि वास्तव में ये जो बेगर बन के आया था ये कोई आम इंसान नहीं था बल्कि ये कोई डिवाइन पावर थी। हैप्पीली डीपली हम्बल्ड वैंग रिटर्न टू हिज इन, वो बहुत खुश होकर बहुत विनम्रता से अपनी इन की तरफ गया। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यंग ट्राइड टू फुलफिल हिज द विश ऑफ लॉर्ड ऑफ क्रेन, वो पूरे जिंदगी फिर उसके बाद वो उस लॉर्ड ऑफ क्रेन की इच्छाओं को पूरा करने में लग गया। टेलिंग एवरी वन हु वुड लिसन द स्टोरी ऑफ मिरेकुलस एनकाउंटर विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैगर इन डिसगाइज एंड अर्जिंग दैम टू शेयर विद दोज लेस फॉर्च्यून, वो कहते हैं और जो कोई भी उसके पास आता था उसको वो कहानियाँ सुनाता था कि कैसे मैं गरीब था और मेरे पास एक बैगर आया, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मैंने इतना रिच हुआ और मैं लोगों के साथ हमेशा दया करता हूँ, आप लोग भी गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। So this is the first part of this chapter, students. I will close the video here. We will meet in the next part of this chapter. So till then, wait and watch. I hope from till here, you get the complete meaning. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next part of this story. Till then, thank you. Have a nice day.